हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो में। आज एक बहुत ही मजेदार चीज का पहला पार्ट से लग रहा हूँ। जी हाँ, बेसिकली ऑटोमेशन क्या होता है? बहुत सारे बच्चे हमसे पूछते हैं, बहुत सारे व्यूवर मुझसे पूछते थे ऑटोमेशन क्या सिखाते हैं आप ऑटोमेशन में। तो ऑटोमेशन मतलब कि आपका काम ऑटोमेटिकली हो जाए, आपको कुछ करने की जरूरत ना पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक डेटा कोई आपको मेल करता है, आपके आउटलुक में मेल आया, आपने मेल को डाउनलोड किया, उस फाइल को मेल में जो अटैचमेंट है उसको डाउनलोड किया, उसको ओपन किया, उसमें एक डेटा है, उस डेटा के ऊपर आपने एक रिपोर्ट जनरेट किया और रिपोर्ट जनरेट करने के बाद फिर आपने क्या किया, थर्ड पर्सन को मेल कर दिया। घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा टाइम आपका लगता है। देखिए, कुछ ऐसा हो जाए कि ऑटोमेटिकली मेल, अगर जैसे ही मेल आपका उस पर्सन जो डेटा आपको भेजता है उस पर्सन के पास अगर मेल उसने मेल किया आपको, जैसे आपके इनबॉक्स में वो मेल आया, ऑटोमेटिकली उसकी अटैचमेंट स्ट्रैक होकर एक फोल्डर में सेव हो जाए और ऑटोमेटिकली उस डेटा पे रिपोर्ट बन जाए, रिपोर्ट बनने के बाद ऑटोमेटिक वो चला जाए और ये सारा काम विद इन मिनट के अंदर भी हो जाए और आप कुछ करें नहीं, आपको पता भी नहीं चले और बैकएंड में सारा काम होके चला जाए। इसको बोलते हैं, तो इसका पहला पार्ट मैं आपको बता रहा हूं कि हाउ कैन डाउनलोड ऑटो अटैचमेंट व्हेन मेल रिसीव। ये आउटलुक की प्रोग्रामिंग है, ये आपको समझा रहे हैं। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा, आप लोगों को सेकेंड पार्ट जो कि ऑटोमेटिकली जब डाउनलोड होने के बाद रिपोर्ट बन के ऑटोमेटिकली मेल चला जाए, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, हम इसकी दूसरी वीडियो भी बना देंगे। तो चलिए पहले वीडियो पे हम बात करते हैं। मैं अभी कंप्यूटर स्क्रीन आपको दे रहा हूं, अंत तक देखिएगा। जैसे कि आपको विजुअल बेसिक खोलना है और जिस फाइल में मेरा अटैचमेंट है उस फोल्डर को मैं खोल रहा हूं। देखिए डेटा, इसमें ऑटो अटैचमेंट आपका सेव हुआ है। कैसे काम कर रहा है मैं आपको समझाता हूं। यहां मैंने एक फाइल लिया, हमने iptoutlook.com पे गए, हमने यहाँ पे डेटा दिया और हमने अटैच किया अटैचमेंट। कोई भी एक काम, जैसे मान लीजिए मैंने अमर को अटैच कर दिया और इसको सेंड किया। अब सेंड हुआ, सेंड कंफर्म हो गया। अब आते हैं आउटलुक में, थोड़ा सा एक आउटलुक टाइम लगाता है, मैं सेंड रिसीव कर देता हूँ। अब फोल्डर भी खोल लेता हूँ, ये फोल्डर देखे भी कोई डेटा इसमें नहीं है। अब मैं यहाँ पे अटैच, मैंने सेंड रिसीव किया, अब न्यू मेल आने वाली है। यहाँ मेल आया ना, अब देखिए हमारे यहाँ अटैच ट्रैक हो गया। ये पहला बात मैंने बनाया हुआ, कैसे बनाया चलिए हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको डेवलपर टैब चाहिए आउटलुक में। अगर डेवलपर टैब नहीं है तो आप ऑप्शन में जाएं, फाइल मेनू वाले के ऑप्शन पे जाएं, कस्टमाइज रिबन और यहां से डेवलपर टैब ला दें, या इसका शॉर्टकट होता है Alt+F11, वो भी प्रेस करेंगे यहां पे आ जाएगा। उसके बाद यहां आप एक इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल, मैंने यहां पे लिख रखा है कोड, इंसर्ट करेंगे मॉड्यूल यहां से और इस कोड को लिखेंगे। काली कोड है पब्लिक सब सेव अटैचमेंट टू डिक मेल एज आउटलुक मेल आइकन। मैं एक मैग्नीफायर से इसको जूम कर देता हूं ताकि आप लोग इसको नोट कर सके। हालांकि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक कोड डाल दिया है तो आप वहां से भी देख सकते हैं, हमने कोड ये किया हुआ है कि पब्लिक सब अटैचमेंट, एक नाम दे दिया, इसके जगह पे आप कुछ भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते मेल आइटम एज ए आउटलुक मेल आइटम डिम अटैचमेंट डॉट एज आउटलुक अटैचमेंट, ये एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया। फिर हमने यहां पे, अब यहां पे सेव फोल्डर की जगह पे मैं एफ भी कर सकता हूं, कुछ भी टाइप कर सकता हूं, सेव फोल्डर एज ए स्ट्रिंग, सेव फोल्डर इक्वल टू ए हमारा पाथ हो गया। उसके बाद फोर इच अटैचमेंट, एक फाइल में हो सकता है कई सारे अटैचमेंट हो,
तो यहाँ पे हमने दिया फोर इज अटैचमेंट इन मेल आइटम, जो कि ऊपर हमने डिफाइन किया हुआ एज ए अटैचमेंट, और ए आपका जो यहाँ पे आउटलुक अटैचमेंट मैंने डिफाइन किया है वो अटैचमेंट डॉट सेव फाइल सेव फोल्डर, जो कि यहाँ पे हमने डिफाइन किया हुआ है अटैचमेंट मेन डिस्प्ले, मतलब कि फाइल का नाम क्या होगा, जो डिस्प्ले करेगा वो फाइल का नाम, वो नाम डाल देगा। अब यहाँ पे आप अपने हिसाब से कोई और नाम भी दे सकते हैं, लोकेशन में आप यहाँ पे और डायनेमिक कर सकते हैं कि भाई डेट वाइज फोल्डर क्रिएट कर दे, उसके बाद उसमें सेव करे वगैरह वगैरह, ये चीजें भी कर सकते हैं। इससे भी मैं आपको डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, आप देखिएगा जरूर। जब ये हो जाएगा इतना होना काफी नहीं, फिर आपको वापस आना है मेल आइटम, और यहाँ होम में आपके साथ दिखता है रूल। जी हाँ, रूल, रूल में मैनेज रूल्स पे चले जाए या क्रिएट न्यू रूल्स पे चले जाए या न्यू रूल। अब इसमें आपको यहाँ सेलेक्ट करना है कि पर्टिकुलर पीपल किससे मेल आया है, तो यहाँ पे आपको उस मेल आईडी यहाँ टाइप करना होगा किस। अब हर एक मेल का अटैचमेंट देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पर्टिकुलर आईडी से आए, ये रूल्स क्रिएट करना होता है, वो आईडी आप यहाँ पे डाल दीजिए आईपीटी इंडिया, आईपीटी दिल्ली 123@gmail.com। हमने यहाँ पे मेल आईडी डाल दिया एंड ओके किया, फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट किया। ये हमें फोल्डर नहीं करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा। अब इसमें और भी है जैसे कि मान लीजिए इस मेल से अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड आया, यहाँ पे दिख रहा है ना वर्ड विद सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मैंने कर दिया वर्ड विद सब्जेक्ट, ऐसे वर्ड यहाँ दे दीजिए कि वो डेटा होना चाहिए। इसके बाद हम नेक्स्ट हो गया, इसके बाद हम नेक्स्ट कीजिए। इसमें स्टॉप प्रोसेसिंग रूल ये हटा दीजिए और इसमें आएगा आपको रन स्केप, लेकिन रन स्केप हर एप्लीकेशन में डिफॉल्ट नहीं होता है। जी हाँ, ये एक दिक्कत है, इसमें मुझे 2 घंटा बर्बाद किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर रन स्केप दिख ही रहा था, तो इसके लिए आपके सेटिंग को चेंज करना होगा। कैसे, आप विंडो आर की प्रेस करें, विंडो आर रन पे जाए और यहाँ पे आप टाइप करें आर ई जी ई डी आई, एक आपके यहां खुल जाएगा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखिए आपको जाना है सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट, सबसे पहले ऊपर देखिए यहां पे, सबसे पहले आपको आना है एचपी करेंट यूजर, फिर सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के अंदर आना है आपको माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर आना है आपको 16, जो भी आपका, मेरे पास क्या है कि कई सारे एक्सेल है तो हमारा ऑफिस 365 है तो 16 है यहाँ पे, आपका अगर 15 होगा तो 2013 होगा तो 15 होगा, इस तरह से नंबर होंगे, उस नंबर पे जाएं, फिर उसके बाद आप आउटलुक पे आए, फिर उसके बाद यहाँ आप आए सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी पे, सिक्योरिटी पे आने के बाद आपको क्या करना है, राइट क्लिक न्यू, न्यू पे ये आपका डी वर्ड 32-bit.value क्लिक करें, क्लिक करें। अब इसका नेम जो लिखेंगे ऊपर देखिए, ऊपर दिख रहा होगा अनेबल अनसेफ क्लाइंट मेल रूल, दिख रहा है आपको, सेम ऐसा ही नाम देना है आपको। अगर ऐसा नाम नहीं देंगे तो अगर नाम में थोड़ा भी डिफरेंस हुआ तो वर्क नहीं करेगा। या मैं दिखा देता हूं और मैं इसको जूम भी कर देता हूं ताकि आप सही से देख सकें। बंद हो गया था, हाँ अनेबल अनसेफ क्लाइंट मेल रूल, रूल्स में एस लगाया और वैल्यू डेटा 1 करना, यहां पे हेक्साडेसिमल सेलेक्ट करना है, ये चीजें करके और फिर वापस एक्सेल को रीओपन, सॉरी एक्सेल आउटलुक को रीओपन करेंगे तब यहां पे आपको रन स्क्रिप्ट आ जाएगा। रन स्क्रिप्ट में आप यहां से अपना जो बनाया हुआ है प्रोजेक्ट 1 में सेव अटैचमेंट को देख, जो कि यहाँ पर मैंने जो कोड आपको बताया था ये नाम है,
इसको आप सिलेक्ट करें। तो क्या होगा कि इस स्क्रिप्ट को तभी रन करेगा जब आपके सिस्टम में कोई नया मेल आएगा और वो मेल एक पर्टिकुलर जो हमने यहाँ दिया हुआ है ना iptindia@iptindia.com से आएगा और उसके सब्जेक्ट में डेटा होगा, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। फिर उसको सिलेक्ट करके मैं ऑलरेडी सिलेक्ट कर चुका हूँ, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। तो ये क्या हुआ, जैसे मेल आएगा और मेल का अटैचमेंट आपके जी डेटा में डाल देगा, मैंने आज इसको डिलीट कर दिया, जी डेटा में डाल देगा। और उसके बाद हम अगली वीडियो में बताएंगे कोड करके कि किस तरीके से जैसे ही मेल आया और फोल्डर में अटैचमेंट को रखा, रखने के बाद मेरा रिपोर्ट बनने का प्रोसीजर अपने आप ओपन हो जाए और रिपोर्ट जब कंप्लीट हो तो फाइल पर्टिकुलर पर्सन को मेल ऑटोमेटिक चला जाए। ये चीजें हम सेकेंड वीडियो में करेंगे, क्योंकि इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगेगा आप ऐसा कर पाएंगे तो भी मैं सेकेंड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। और हमारी क्लासेस जो है लेना चाहते हैं तो iptindia.com पे जाके हमारे साथ लाइव ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, पेन ड्राइव परचेज कर सकते हैं, या फिर मेरे साथ कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसको डिस्कस कर सकते हैं। मेरा नंबर आपके सामने है, मेरा स्काइप आईडी भी है, जैसे मर्जी जैसे कॉल कंडक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।